कैसे हो आप? आज मैं आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस तलपट। देखिए, ये चैप्टर जैसे आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो कि हमने सबसे पहले जर्नल एंट्री बनाई, उसके बाद लेज़र तैयार किए, तो उसके बाद जो स्टेप है वो है ट्रायल बैलेंस का, तलपट का। अब तलपट, सबसे पहले तलपट को बनाना सीखने से पहले हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि तलपट क्या होता है, तलपट किसे कहते हैं। देखिए, तलपट जो होता है वो जो खाता बही तैयार की गई है, जो लेज़र तैयार किए गए हैं, उनकी शुद्धता की जांच के लिए तैयार किया जाता है। खातों की शुद्धता की जांच के लिए तलपट तैयार किया जाता है। तलपट एक निश्चित तिथि को बनाया जाता है और इससे सिर्फ इतना ही पता चलता है कि जो हमने लेज़र बनाए हैं वो लेज़र सही हैं या नहीं हैं, इस बात की जानकारी तलपट के द्वारा की जाती है। तलपट को परीक्षा सूची भी कहते हैं या कच्चा आंकड़ा भी कहा जाता है। तलपट बनाने की चार विधियां होती हैं। पहली विधि है योग विधि, टोटल मेथड। इसमें क्या होता है कि जो हमने खाते तैयार किए हैं उन खातों का योग निकाला जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक खाता तैयार किया, उसका डेबिट साइड का टोटल 15,000 और क्रेडिट साइड का टोटल 20,000 है, तो हम उन दोनों टोटल को ही तलपट के डेबिट और क्रेडिट साइड में डालते हैं। दूसरा मेथड होता है बैलेंसिंग मेथड, शेष विधि, जो अधिकतर प्रयोग में लाया जाता है। शेष विधि, इस विधि के अंतर्गत खाता बही से जो शेष निकाले जाते हैं, इस विधि के अंतर्गत बैलेंसिंग मेथड के अंतर्गत खाता बही के खातों से जो शेष निकाले जाते हैं उन शेषों से तलपट तैयार किए जाते हैं। यदि किसी खाते का शेष डेबिट आता है तो उसे तलपट के डेबिट साइड लिखा जाएगा, और यदि किसी खाते का योग क्रेडिट आता है तो उसे तलपट के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। तीसरा जो मेथड है वो होता है योग और शेष विधि दोनों के द्वारा। एक हमने फर्स्ट मेथड करा योग विधि, सेकंड करा हमने शेष विधि, तो थर्ड हुआ दोनों को मिलाकर, दोनों को कंबाइन करके। हमने दो कॉलम बना दिए, मतलब हमने एक साइड बना दी हमने योग की और एक बना दी हमने बैलेंसिंग की, तो ये दोनों मेथड एक साथ चलते हैं। उसमें खातों के योग भी लिखे जाते हैं और खातों के शेष भी लिखे जाते हैं। जो चौथा मेथड है, फोर्थ मेथड है, वह है समान योग वाले खातों को छोड़कर। जिन खातों के योग समान हैं उनको छोड़ दिया जाता है, बाकी को लिख दिया जाता है। तो ये चार मेथड हैं। इन चारों मेथड, जो चार मेथड है उसमें सिर्फ हमारा जो मेन है वह है बैलेंसिंग मेथड। बैलेंसिंग मेथड में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि यदि हमें जनरल एंट्री दी गई है, हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, उसे कहा गया है कि तलपट तैयार कीजिए, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें जनरल एंट्री तैयार करनी है। देखिए, मैंने अपनी तरफ से एक क्वेश्चन लिया है यहाँ पर, इस क्वेश्चन में जनरल एंट्री बनाई हुई है। जनरल एंट्री सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको किसी भी क्वेश्चन के, जो आपको क्वेश्चन दे रखा है जिसमें जनरल एंट्री दी हुई है, जिसमें कहा गया है कि जनरल एंट्री के द्वारा, जनरल एंट्री खाता भैया तलपट तैयार कीजिए, तो मैं आपको खातों के शेष नहीं दिए हुए हैं, आपको एंट्रीज दी हुई हैं, लेन देन दिए हुए हैं, तो उनसे आपको क्या करना है, उनसे आपको तलपट तैयार करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जनरल एंट्री को बनाएंगे। जनरल एंट्री बनाने के बाद उसके हम खाते बनाएंगे, खाता बही बनाएंगे, यानी कि लेज़र बनाएंगे, उसमें पोस्टिंग करेंगे। उसके बाद में हम उनका बैलेंस निकालेंगे और उस बैलेंस को तलपट में ट्रांसफ़र करेंगे। डेबिट पक्ष का योग, जो डेबिट साइड का बैलेंस है उसको डेबिट साइड करेंगे, और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो उसको क्रेडिट साइड। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ से जो जनरल एंट्री लिखी हुई है इनसे मैं आपको लेज़र बताऊँगी। एक बार मैं पहले बता चुकी हूँ, जिन बच्चों ने नहीं देखा हो वो मेरी इससे पहले वीडियो देख लीजिए खाता बही की, वहाँ आपको खाता बही समझ में आ जाएगी। सबसे पहले मैंने यहाँ नाम लिखा हुआ है कैपिटल अकाउंट का। इसका मतलब हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट यहाँ देखिए, ये जनरल एंट्री है, इसमें यहाँ कैपिटल अकाउंट है, तो क्या करा हमने, जिस अकाउंट का नाम वहाँ ऊपर लिखा हुआ है उसको यहाँ से कवर कर लेते हैं, ढक लेते हैं। अब जो डेबिट वाला पोर्शन है उसको क्रेडिट में लिखेंगे और जो क्रेडिट वाला पोर्शन है उसको डेबिट में लिखेंगे। देखिए, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, तो डेबिट वाले पोर्शन को डेबिट में लिखेंगे और क्रेडिट वाले को क्रेडिट में लिखेंगे।
देखिए यहाँ मैंने कैपिटल अकाउंट लिया, कैपिटल अकाउंट को कैपिटल को कवर किया, कैश अकाउंट बचा डेबिट वाला, डेबिट वाला पोर्शन कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। तो ये हो गया भाई कैश अकाउंट। अब क्या करना है, कैपिटल की और कोई एंट्री नहीं है तो अब क्या करेंगे, ये जो कैपिटल है इसका हम बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस किस तरह से निकालना है, पहले आपको ये डेबिट वाला पोर्शन है, ये क्रेडिट वाला पोर्शन है, डेबिट वाले पोर्शन का टोटल कर लीजिए और क्रेडिट वाले का टोटल कर लीजिए, दोनों साइड का टोटल कर लेंगे तो यहाँ क्रेडिट डेबिट साइड में कुछ नहीं है और क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो 15,000 है। अब क्या करेंगे, जो ज़्यादा वाला टोटल होता है उसे हम दोनों साइड लिख देते हैं, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। तो ये 15,000 रुपये दोनों तरफ लिख दिए। अब यहाँ का जो बैलेंस हुआ वो कितना हुआ, 15,000 रुपये। क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू बैलेंस सी डी, डेट लिखेंगे अप्रैल 30। ये सी डी निकाल दिया, इस बैलेंस को हम नेक्स्ट मंथ में आगे लेकर जाएंगे मई 1st। जब हम टू से ट्रांसफ़र करते हैं तो ट्रांसफ़र बाई में होगा, यानी कि डेबिट से ट्रांसफ़र क्रेडिट में होगा। यहाँ टू लिखा हुआ है तो यहाँ आपको बाई लिखना है, बाय बैलेंस। जब हम बैलेंस को आगे लेकर आते हैं तो उसको लिखते हैं बी डी या बी एफ, सी डी कैरेट डाउन, बी डी ब्रॉड डाउन। तो यहाँ हमने लिख दिया बी डी, यही बैलेंस आपको आगे लिखना है। देखिए ये गलती मत कीजिएगा कि हमने जो टोटल लिखा है, कभी कभी क्या होता है कि जो टोटल है उसी को आगे लिख देते हैं, जबकि हमें टोटल आगे नहीं लेके आना है, हमें क्या आगे लेकर आना है, हमें बैलेंस आगे लेकर आना है। तो ये बैलेंस हमने यहाँ लिख दिया 15,000 रुपये का। नेक्स्ट है परचेज अकाउंट, यहाँ मैंने लिखा है परचेज अकाउंट। फिर क्या करेंगे, परचेज को यहाँ से कवर किया, क्या बचेगा कैश अकाउंट, क्रेडिट वाला पोर्शन बचा तो उसको डेबिट में लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। कितना, 2,000 रुपये की अमाउंट है और डेट है इसकी अप्रैल 2। नेक्स्ट एंट्री आप देखिए, कहीं और परचेज है, परचेज एक नेक्स्ट एंट्री में भी दे रखा है, यहाँ से भी इसको कवर किया, बचा टू मोहन। तो यहाँ भी हमने लिख दिया टू मोहन अप्रैल 4। इसका जो टोटल है अमाउंट है वो है 1,000 रुपये, और किसी एंट्री में कहीं भी परचेज नहीं है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके भी दोनों तरफ का योग करना है, टोटल करना है। तो इस साइड का टोटल आया 3,000 रुपये, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या लिखेंगे, बैलेंस। सेम प्रोसेस जो मैंने आपको कैपिटल अकाउंट बनाया है, सेम प्रोसेस वही है, 3,000 रुपये। अप्रैल 30, उसके बाद इस बैलेंस को हम आगे लेकर आएंगे मई 1, बाय में बैलेंस आया था, क्रेडिट साइड बैलेंस था तो उसको डेबिट साइड लेकर आगे और वहाँ पे लिख दिया टू बैलेंस बी डी 3,000 रुपये। नेक्स्ट मोहन है, मोहन का अकाउंट हम बना रहे हैं, तो मोहन आपको इस एंट्री में कहाँ दिखाई दे रहा है, एक तो अप्रैल 4 की एंट्री में, एक अप्रैल 12 की एंट्री में। तो दोनों को हम यहाँ पर लिखेंगे, मोहन है, मोहन को कवर किया, क्या बचा परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट वाला पोर्शन हमें कहाँ लिखना होता है, क्रेडिट में लिखना होता है, तो उसको लिखेंगे हम बाय परचेज अकाउंट। एक हज़ार रुपये, डेट है इसकी अप्रैल 4। फिर नेक्स्ट एंट्री देखिए मोहन की, मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट, यहाँ भी मोहन है, यहाँ से मोहन को कवर किया, क्या बचा टू कैश अकाउंट, क्रेडिट वाला पोर्शन बचा है तो उसको डेबिट में लिखेंगे, कैश अकाउंट अप्रैल 12, 500 रुपये। अब क्या करेंगे, देखिए इसके डेबिट साइड का जो टोटल है वो 500 रुपये है और क्रेडिट साइड का टोटल 1,000 रुपये है। अब आपको जो जिस भी साइड का टोटल ज़्यादा होता है, चाहे वह डेबिट का ज़्यादा हो चाहे वह क्रेडिट का ज़्यादा हो, उस ज़्यादा वाले टोटल को आपको दोनों तरफ लिखना होता है। तो यहाँ 1,000 रुपये ज़्यादा हैं तो हमने 1,000 रुपये को दोनों तरफ लिख दिया, ये दोनों तरफ लिखा गया 1,000 रुपये। जब हम इसका टोटल करेंगे तो यहाँ पर 1,000 रुपये आना चाहिए, लेकिन यहाँ है कितना, 500 रुपये। क्या करेंगे कि क्रेडिट वाले टोटल में से डेबिट वाला, यानी कि जो ज़्यादा वाला टोटल है उसमें से कम वाले टोटल को माइनस कर देंगे, तो कितना बचा 500 रुपये। यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस सी
CD 500 रुपये का बैलेंस आ गया। वही अप्रैल 30 सेम प्रोसेस है, मई ए ये बैलेंस, फिर हम नेक्स्ट मंथ आगे लेकर आ गए बैलेंस BD 500 रुपये का। इस तरह से हमारे ये तीन अकाउंट कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट अकाउंट है फर्नीचर। अब आप इस पूरे क्वेश्चन में देखें कि फर्नीचर कहाँ है। फर्नीचर यहाँ लिखा हुआ है 8 अप्रैल को फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो क्या करेंगे, फर्नीचर को आपने कवर किया, क्या बचा, टू कैश अकाउंट, यानी कि क्रेडिट वाला पोर्शन बचा। क्रेडिट वाला बचा है तो उसको डेबिट में लिखेंगे टू कैश अकाउंट 3200 रुपये का, और इसकी डेट है अप्रैल 10। ऐसे ही इसका यहाँ बैलेंस निकाल देंगे, बैलेंस CD 3200 रुपये। डेट कौन सी डालेंगे, जो मंथ है उस मंथ की लास्ट डेट, जिस मंथ की आप एंट्री बना रहे हो उसकी लास्ट डेट। ये 3200 रुपये टोटल हो गया। फिर नेक्स्ट हम इसको बैलेंस को आगे लेकर आएंगे, मई 1 बैलेंस BD 3200 रुपये। यहाँ तक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट अकाउंट है हमारा अलमीरा हट। यहाँ देखिए ये है, इसको कवर किया, बचा टू कैश अकाउंट अप्रैल 10 टू कैश अकाउंट 4100 रुपये। यहाँ भी सिर्फ एक ही एंट्री है इसलिए इसका भी हमने टोटल किया और क्या निकाल दिया, बैलेंस, क्योंकि इसके क्रेडिट साइड में कोई अमाउंट नहीं है। दोनों तरफ का टोटल एक ही लाइन में लिखना है, एक ही सीध में लिखना है, ऐसा ना हो कि डेबिट साइड का टोटल आपने ऊपर लिख दिया और क्रेडिट साइड का टोटल आपने नीचे लिख दिया। इसके बाद में यहाँ तक हुआ, इसके बाद क्या करेंगे, मई 1 इस बैलेंस को आगे लेकर आ गए, बैलेंस BD। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट अकाउंट हम बनाएंगे सेल्स अकाउंट। अब देखिए इस क्वेश्चन में सेल्स कहाँ दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है आपको अप्रैल 5 की एंट्री में। तो यहाँ से सेल्स को कवर किया, क्या बचा, कैश अकाउंट डेबिट, जो डेबिट वाला पोर्शन है उसको किधर लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं, बाय कैश अकाउंट अप्रैल 5th, और अमाउंट है इसकी 2800 रुपये, 2800। इसका भी एक ही एंट्री है सेल्स की इसलिए इसका भी टोटल करेंगे और यहाँ पर क्या निकालेंगे, बैलेंस, क्योंकि इसके डेबिट साइड में कुछ नहीं है, कोई अमाउंट नहीं है, तो इसका निकाल दिया बैलेंस CD 2800 रुपये। ये टोटल हो गया 2800 रुपये का। डेट आपको पता है, मंथ की लास्ट डेट, और इसको फिर हम आगे लेकर आ जाएंगे, मई 1 बाय बैलेंस BD 2800 रुपये। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब लास्ट अकाउंट में आपको बता रही हूँ, कैश अकाउंट। देखिए कैश अकाउंट में सबसे ज़्यादा इसमें जो एंट्री हैं वो कैश से रिलेटेड ही हैं। जब हमने यहाँ से ढका कवर किया तो टू कैपिटल बचा अप्रैल 1 टू कैपिटल अकाउंट 15000 रुपये। नेक्स्ट एंट्री में कैश है तो कैश को कवर कर दो, क्या बचेगा, परचेज अकाउंट डेबिट, जो डेबिट वाला पोर्शन है उसको हम क्रेडिट लिखेंगे अप्रैल 2 बाय परचेज अकाउंट 2000 रुपये। नेक्स्ट एंट्री में कैश नहीं है तो इसको हम नहीं लेंगे, इसमें कैश है, यहाँ से कैश को कवर किया, क्या बचा, टू सेल्स अकाउंट, ये क्रेडिट है, क्रेडिट को कहाँ लिखा, डेबिट में लिखा, टू सेल्स अकाउंट अप्रैल 5, सेल्स की अमाउंट है आपकी 2800 रुपये 2000
₹800। फिर नेक्स्ट एंट्री में फिर से कैश है, यहाँ कवर किया, बचा फर्नीचर अकाउंट डेबिट। तो क्या लिखेंगे? बाय फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर की अमाउंट है आपकी ₹3,200 और डेट है अप्रैल 10। नेक्स्ट है फिर अलमीरा में है, अलमीरा डेबिट टू कैश अकाउंट, इसको कवर किया, क्या बचा? अलमीरा डेबिट। तो यहाँ से यहाँ हमने लिख दिया ये है अप्रैल 8 और ये है अप्रैल 10 बाय अलमीरा ₹4,100। लास्ट एंट्री बचती है हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ से कैश को कवर किया, क्या बचा? मोहन डेबिट। तो कहाँ लिख देंगे? अप्रैल 12 बाय मोहन। कितने रुपए की पेमेंट की गई है यहाँ पर? ₹500 की। ठीक है, ये हमने सारी की सारी पोस्टिंग कर दी है। अब क्या करना है आपको? दोनों तरफ का टोटल करना है। तो इसका जो टोटल हुआ वो हुआ ₹17,800। इसको हमने रफली यहाँ लिख दिया ₹17,800। ये डेबिट साइड का टोटल है। क्रेडिट का टोटल करेंगे ₹17,800 टोटल हुआ डेबिट का, ₹9,800 टोटल हुआ क्रेडिट का, 3, 2, 5, 4, 9, 9,800। अब क्या करना है? देखिए, डेबिट वाला जो टोटल है ये ज़्यादा है और क्रेडिट का टोटल कम है। जो ज़्यादा वाला टोटल है उसको हम दोनों तरफ लिखेंगे। 17,800 हमने दोनों साइड लिख दिया, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। ये दोनों साइड लिखने का मतलब होता है कि हमारा दोनों साइड का टोटल बराबर आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। इधर का तो 17,800 है लेकिन इधर का जो टोटल है वो सिर्फ 9,800 है। तो हम क्या करेंगे? 17,800 में से 9,800 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा बचेगा 8,000। कितना बचा? 8,000 का बैलेंस बच गया। इसको हम यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस CD अप्रैल 30। बैलेंस निकालने का प्रोसेस सभी का सेम है। यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD 8,000। इस तरह से ये हमारे अकाउंट्स कंप्लीट होते हैं। तो ये आपने लेज़र देख लिए। अब इस लेज़र से हमें क्या बनाना है? ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो मैं अब आपको बताऊंगी ट्रायल बैलेंस बनाना। ट्रायल बैलेंस में दो साइड होती हैं, डेबिट और क्रेडिट। जो हमारे खातों का शेष आया है उन खातों के शेष से हम उनको डेबिट और क्रेडिट करेंगे। उसके अकॉर्डिंग ट्रायल बैलेंस एक निश्चित तिथि को बनाया जाता है, जो कि 6 महीने भी हो सकती है और 1 साल भी हो सकती है। तो यहाँ जिस डेट का अकाउंट बना रहे हैं एज ऑन, ठीक है, तो वहाँ यहाँ पर वो डाल देंगे, जैसे कि हम बना रहे हैं 31 मार्च 2018 का या 14 का, तो जो भी बना रहे हैं वो यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये मैं आपको इसका फॉर्मेट बता रही हूँ। इसका फॉर्मेट कैसा होता है? ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है। फर्स्ट कॉलम है नेम ऑफ अकाउंट, सेकंड कॉलम होता है LF। आपको जर्नल जब समझाया गया था उसमें LF की फुल फॉर्म बताई थी, लेजर फोलियो, खाता पृष्ठ संख्या। नेक्स्ट कॉलम होता है अमाउंट, ये डेबिट है और अमाउंट किस में है? रुपीस में। ये अमाउंट का है क्रेडिट कॉलम और ये भी रुपीज़ में। तो ये 4 कॉलम्स होते हैं तलपट के फॉर्मेट में। नेम ऑफ अकाउंट, जिस अकाउंट, ये जो हमने लेज़र बनाए हैं इससे हम आप ट्रायल बैलेंस तैयार करेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने नाम लिखा है वो लिखा है कैपिटल।
तो हम नेम ऑफ अकाउंट में उस खाते का नाम लिखेंगे। तो यहाँ लिख दिया मैंने कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अमाउंट देखिए, अब इसमें हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो बैलेंस है ये डेबिट साइड का है या क्रेडिट साइड का है। जिस जो भी अकाउंट हम बना रहे हैं उसका आप ये देखिए कि बैलेंस बीडी किधर साइड लिखा है, बैलेंस बीडी उसका किधर साइड है। तो इसका जो बैलेंस बीडी है वो क्रेडिट में है। एक तो तरीका ये है कि आप उसका बैलेंस चेक कर लीजिए कि उसका बैलेंस डेबिट साइड में बीडी आ रहा है या क्रेडिट साइड में बीडी आ रहा है। जिस साइड में भी उसका बैलेंस बीडी होता है वही उसका बैलेंस कहलाता है। पहला तो तरीका ये है। दूसरा कि जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है, जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है उसी साइड का वो बैलेंस होता है। ये पहचान करने का मैं आपको तरीका बता रही हूँ। जैसे कि यहाँ कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट में जो टोटल ज़्यादा था वो किस साइड का था, क्रेडिट साइड का था, और इसका जो बैलेंस बीडी है वो भी क्रेडिट साइड है। या तो आप ये चेक कर लीजिए कि उसका टोटल किस साइड ज़्यादा है वही साइड उसका बैलेंस होगा, या फिर आप ये चेक कर लीजिए कि उसका बैलेंस बीडी किधर लिखा हुआ है। तो जिधर बैलेंस बीडी है वही उसकी, दोनों चीज़ सेम है, सिर्फ आपको समझने का मैं तरीका बता रही हूँ। तो यहाँ पर बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड लिखा हुआ है, हम यहाँ पर 15,000 रुपये क्रेडिट साइड में अमाउंट डाल देंगे। नेक्स्ट अकाउंट बनाया हमने परचेज अकाउंट। देखिए ये परचेज अकाउंट है। अब परचेज अकाउंट का टोटल हमारा डेबिट साइड ज़्यादा था और बैलेंस बीडी भी क्रेडिट डेबिट साइड ही है, तो इसका जो बैलेंस हुआ वो कैसा हुआ, सॉरी डेबिट, कैसा बैलेंस हुआ, डेबिट, क्योंकि इसका जो टोटल ज़्यादा है वो डेबिट साइड का ज़्यादा है, या इसका जो बैलेंस बीडी है वो डेबिट साइड में ही लिखा हुआ है। तो आपको जो अमाउंट डालनी है, जो बैलेंस के सामने अमाउंट डली हुई है वो है अमाउंट आपको कहाँ डालनी है, यहाँ डालनी है ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट है मोहन, मोहन्स अकाउंट क्या करना है। अब देखिए इस अकाउंट में मोहन के में इसके डेबिट साइड का टोटल 1,000 रुपये है, क्रेडिट साइड का टोटल 1,000 रुपये है और डेबिट का 500 रुपये है। तो हमने 500 रुपये का बैलेंस निकाला है ना, तो इसका क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा था और बैलेंस बीडी भी क्रेडिट साइड है, तो इसका जो बैलेंस हुआ वो कैसा हुआ, क्रेडिट साइड रुपये, कितना हुआ 500 रुपये। देखिए बैलेंस के साथ सामने कौन सी अमाउंट डली हुई है, ये 500 डली हुई है। तो आपको 1,000 रुपये नहीं डालने हैं, आपको डालने हैं सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये जो उसका बैलेंस है। तो बैलेंस 500 रुपये का आ गया। नेक्स्ट फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर में देखिए कहाँ है बैलेंस बीडी, डेबिट साइड है, तो 3,200 रुपये हमने डेबिट साइड डाल दिए। फिर नेक्स्ट अकाउंट हमने बनाया है अलमीरा, यहाँ अकाउंट का नाम लिखिए अलमीरा। तो अलमीरा का बैलेंस कितना है, कहाँ दिखाई दे रहा है आपको इसका बैलेंस, डेबिट साइड दिखाई दे रहा है। तो हम डेबिट साइड कितना लिखेंगे, जो बैलेंस के सामने अमाउंट लिखी है 4,100 रुपये की। नेक्स्ट अकाउंट है सेल्स, सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में आपको बैलेंस कहाँ दिखाई दिया, क्रेडिट साइड में, ये क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड बैलेंस बीडी लिखा हुआ है 2,800 रुपये। तो हम यहाँ लिखेंगे क्रेडिट में 2,800 रुपये। फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट एंड लास्ट है कैश अकाउंट। कैश का बैलेंस बीडी ये कौन सी साइड है, डेबिट साइड है, डेबिट साइड में है 8,000 रुपये, डेबिट साइड 8,000 रुपये। तो इस तरह से जितनी एंट्री थी उसके हमने सारे लेज़र बना लिए और उन लेज़र का हमने क्या कर लिया, बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिया ट्रायल बैलेंस में। ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें दोनों साइड का टोटल करना है। तो हम पहले क्रेडिट साइड लेते हैं, अठारह हजार 300 इसका कर लीजिए, जब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है तो उसको हम इस तरह से लाइन खींच कर उसको क्लोज कर देते हैं।
तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि इसका जो डेबिट साइड का टोटल है वो भी 18,300 है, जो क्रेडिट साइड का टोटल है वो भी 18,300 है। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि हमें तलपट कैसे बनाना है, और तलपट का जो आंसर है वो दोनों साइड का सेम ही होना चाहिए। अगर आपका दोनों साइड का आंसर सेम है तो इसका मतलब आपका तलपट सही है। पूरी तरह से हम ये नहीं कह सकते क्योंकि हमने जो बनाया है ये हमारे लेज़र सही है और हमारा ट्रायल बैलेंस सही है। तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हमने जो ट्रायल बैलेंस तैयार किया है और जो हमने लेज़र तैयार किया है उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया। ये जो हमने शेष बनाए हैं इन्हीं से बनाना होता है हमें अंतिम खाते, फाइनल अकाउंट इन्हीं शेषों के द्वारा, इस तलपट के द्वारा ही अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं। अभी मैंने आपको जर्नल से बनाने सिखाए हैं, इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर हमें डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस तैयार करना है, हमें सीधा सीधा क्वेश्चन दे रखा है, उसमें शेष दे रखे हैं और हमें उससे ट्रायल बैलेंस तैयार करना है तो हम कैसे बनाएंगे, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा।